वैसे तो हमारे देश में 18 साल से कम उम्र के लोगों के गाड़ी चलाने पर कानूनन पाबंदी है, लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर तमाम नाबालिग लड़के लड़कियां छोटी बड़ी गाड़ियां चलाते नजर आते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नाबालिगों की ड्राइविंग पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान लागू किए हैं। यूपी सरकार ने पूरे राज्य में नाबालिगों के दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। नए नियमों के तहत यूपी में अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उसके पिता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग के पिता को 3 साल जेल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही पकड़ी गई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा जाएगा उसका ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल का होने पर नहीं बनेगा। नए नियमों के मुताबिक नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र में यानी बालिग होने के 7 साल बाद ही बनेगा। राज्य बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर ये नए नियम लागू किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक सड़क हादसों में जान गंवाने वाले 40% नाबालिग होते हैं जिनकी उम्र 12 से 18 साल के बीच होती है। भाई मजा आया, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ।